नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 8वीं की हमारा अतीत थर्ड के बारे में। याद रखिए, इस किताब के दो भाग हैं, जिसमें से पहला हम लोग भाग देख रहे हैं और इसमें हम लोग 5 चैप्टर अभी तक आपके खत्म कर चुके हैं। यह है आपका छठवां चैप्टर, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। याद रखिए, अगर आप बड़े धैर्य के साथ और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा आपको जिसे आप समझ ना सकें। ठीक है, तो अच्छे से धैर्य से पढ़िए और निकल जाइए। चित्र देखिए, एक 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। तो इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरों और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने नई 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा हुए, किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इस क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत में के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों का पर किस तरह के असर पड़े, इस तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डाल लेते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियों यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनरों की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मजेदार है। देखिए इसको, पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। बात करते हैं शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर व्यापारी बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन याग्नि की मलमल कहते चलने लगे।
जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। चित्र 3, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑर्डर, वही का एक पन्ना 1730 में। गौर से देखें तो वही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में तय की गई है। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने जरूरत कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के लिए के जरिए बेच दिया जाता था। चित्र 4 को भी देख लीजिए। जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इसका रंग फ्रया सलेटी और सफेद होता। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ, जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। आइए अब हम इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नाम को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था, उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंट, कोसा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सेंट सेंट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छिंट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं, बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या फिर सिर पर पहने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बंदाना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्में के कपड़े आते थे, जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। देख लीजिए, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाली छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। देखिए, भारत कभी पीछे नहीं रहा है। बेहतर कपड़े, हर काम बेहतर होता था पहले। बही में कई दूसरे दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। इसे भी देख लीजिए।
बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें, आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी को मैं दो बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया। बनाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान गुजरात में बनाए जाते थे। अब बात करते हैं यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिंड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खोल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल बिना बांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में भी भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकनीकियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने बास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारे कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थीं। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। परंतु जैसा ही कि आप जानते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। चित्तसात, कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाह पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ गए? ये सफेद हो गया है, एक चेक और धारीदार, ये आपका सेंट, ये सिल्क, लाहौर, पंजाब, समाना, सरहिंद, ये आपकी सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, बनारस, ढाका, कलकत्ता, ये आपका बुरहानपुर एमपी में, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत गुजरात में ही, दिल्ली, सरहिंद, यहाँ मदुरा, कालीकट, नागपट्टनम, पांडिचेरी और मद्रास, ये बेतावली, मसूलीपट्टनम। बुनाई केंद्र 1500 से 1750 तक। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन चार क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे
बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपने अपनी मलबल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। अब बात करते हैं बुनकर कौन थे आखिर। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। जो बुनाई करते थे वही समुदाय के लोग होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, बक के कोलार, देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरे इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों को की रोजी रोटी चलती थी, यानी कि रोजगार लागू था। चित्तनो, बंगाल की एक तांती बुनकर बेल्जियम चित्रकार सॉल्वेंस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 की दशक में। बात करते हैं भारतीय कपड़े का पतन। इतना भारतीय कपड़ा इतना फल फूल रहा था तो पतन क्यों हुआ? इसके भी तो कारण होंगे ना, उन्हीं को देखते हैं। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला था इनमें, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। इसी तरह होते हैं, अभी आपने देखा होगा चीन कई तरह की ड्यूटी लगा रहा था अमेरिका के सामान हुआ। कई बार आपने देखा हो इंडिया के सामानों पर अमेरिका लगाने लगता है। वो इसलिए लगा देते हैं कि भारत से जो सामान जाए वो महंगा हो जाए, तो वहाँ लोग खरीदने में, अब आप ही सोचो कि आपके यहाँ एक पेन बनता है, चलिए आप लोग सेलो का पेन ले लीजिए, वो 5 रुपये का, आपके यहाँ कीमत उसकी 5 रुपये है बन के तैयार होने के बाद। अगर वो ही चाइना से आपके यहाँ आए और वो 3 रुपये में हो, कितने? 3 रुपये, तो आपके यहाँ के जो लोग होंगे उन्हें घाटा होगा, क्योंकि 5 रुपये तो कीमत ही लग रही है, मतलब बनाने में, उसे उत्पादन करने में, उसमें 5 रुपये खर्च आ रहा है, 5 में ही बेच रहे हैं तुम लोग, फिर भी घाटे में जाओगे। तो इसलिए अपनी सरकार, भारत सरकार क्या करेगी, उस पर ड्यूटी लगा देगी, चार्ज लगा देगी, जिससे वो उसकी कीमत हाई हो जाए। इसी तरह उस समय अंग्रेजों ने भी किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनमें एजेंटों से तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था।
परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। गोरांग क्या है? ओरांग फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता था। वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करके रखा जाता था। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। हम भूखों मर जाएंगे। देखिए, 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जैसे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता है और हमें कपड़े के ऑर्डर नहीं देता है, तो हम भूखों मर जाएंगे। व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824 में। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित कीजिए। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार पत्र दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपने दुर्दशा का इस तरह बयान दिया है। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 20 साल की थी, तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए, तो भगवान ने मुझे जिंदा रखने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे का सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले इति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी, मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा किए। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का विवाह किया। इस तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल से हम दोनों औरतें मेरी सास और मैं दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत बेचती हूँ, तो पहले के मुकाबले एक चौथाई दाम भी नहीं मिलती है। समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया है। मैंने बहुत से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती यानी कि विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते हैं और वह गल कर तार तार हो जाता है। कष्टों में फांसी एक कताई कामगार की आप भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन असली दुर्दनी तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितनी सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भाला भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की ना केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफी मांग थी। ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था, जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर, दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने
भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघों बुनकरों को बम्बई, अब जिसे मुंबई बोलते हैं, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई। बात करते हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1856 में बम्बई में स्थापित हुई। पता है क्वेश्चन आपका कई बार कई परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में पूछ लिया है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी, बम्बई में, कब, 1856 में। ठीक है, यह कताई मिल थी 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं, सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र था। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादा पुरुष पुरुष होते थे। पेगलन, चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करना या धातु की बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज बनाई जा सके, पिघलन कहलाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारे मिल पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को काम आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी, लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आई और सैनिक जरूरतों का पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। चलते हैं हम लोग दूसरे उद्योग की तरफ। भारतीय इस्पात और लोहे धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से चार लड़ाइयां लड़ी।
और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवार आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस बुट्च स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। देखिए, यह 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई, जिनमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए। गौर से देखिए कि शेर का शरीर मूठ के निचले सिरे पर की तरफ है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों पिघलन भट्टियों में बुट्च स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए पिघला के उत्पाद की सिल्लियां तैयार कर ली जाती थी, जिनका न केवल भारतीय पब्लिक भारत बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुट्च असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द उक्कू, तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय पुट्च स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुम्बकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं पर 4 साल 1818 से 1822 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। धोखनी हवा फेंकने का यंत्र था ये, ठीक है। बात करते हैं गांव की उजड़ी भट्टियां। वुड्ज स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का पिघलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे पिघलक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहे अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखाने में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। पिघलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोखनी चलाती थी। एक कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के पिघलन का हुनर खत्म होने लगा। ज्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी, लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब जानने से पहले इस चित्र को देख लीजिए। मध्य भारत का एक गांव जहां लोहे पिघलक का अगरिया समुदाय रहता था। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाके में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। एक व्यापक उद्योग
प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा पिघलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल ना दिखाई देता है। यहाँ के आदिम लोहे पिघालकों को ऐसे भंडारों से ऐश हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लोहे विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि जब उपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लोहे अयस्क भी कहाँ से ला सकते थे। वन कानून को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय पिघालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई, धातु मल। धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा क्या कहलाता था? धातु मल। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोरावजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहे भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लोहे एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोहे अयस्क भंडार की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लोहे एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहे अयस्क भंडारों का पता लगाया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद बेल और दोरावजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोहे अयस्क को ले जा रहे थे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से ले लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। बेल और दोराजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद बेल ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी थी। रजहारा पहाड़ियां दुनिया की सबसे बेहतरीन लोहे अयस्क भंडार में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। क्या? यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगर यह समुदाय के लोगों ने इस लोहे अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लोहे अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें आपका 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सारी समय पर हुई थी।
19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई। रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को के युद्ध के लिए गोलों के खोल रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका। सूती कपड़ों की तरह लोहे एवं इस्पात के मामलों में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ था जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें मानने पड़ी। युद्ध के आखिर में विस्तार युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस क्षेत्र में नए विद्युत वो बायलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं जमशेदपुर में 1919 में। देखिए बात करते हैं जापान में औद्योगीकरण की शुरुआती साल 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगीकरण का इतिहास भारत के औद्योगीकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में उपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरह जापान ने अपनी देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मैजी मैजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए उद्योगीकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने उद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं टेलीग्राफ रेलवे वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में उपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगीकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उनकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। इसी अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ डली हुई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर अपने पास रख लीजिए, ठीक है, अगर टाइम मिले तो उससे एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये था आपका छठवां चैप्टर। सातवें चैप्टर में हम बात करेंगे देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना।